हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आनंद बाजपेयी फ्रॉम मुंबई, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज मैं यूट्यूब पे फिर आया हूँ एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेकर, जिसकी मैं देख रहा हूँ पिछले कई महीनों से इस सवाल के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि सर, बाइनरी प्लान करना चाहिए या जनरेशन प्लान करना चाहिए, है ना, कि समझ में नहीं आ रहा सर। कोई कोई लीडर बोलता है कि बाइनरी बहुत अच्छा है, कोई बोलता है कि जनरेशन बहुत अच्छा है, तो आप बताइए कि बाइनरी अच्छी है या जनरेशन अच्छा है, दो लेग्स वाले प्लान अच्छे है या मल्टीपल वाले लेग्स अच्छा है, सस्ते प्रोडक्ट्स वाली कंपनी अच्छी है या महंगी प्रोडक्ट्स वाली कंपनी अच्छी है, जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देती है वो कंपनी ज्यादा अच्छी है या जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम है वो कंपनी ज्यादा अच्छी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज इन सारे सवालों के जवाब देने जा रहा हूं अपने इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। अंत तक जरूर बने रहिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो खत्म होते होते इसका जवाब आप खुद तय करोगे, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राय जाननी है कि क्या मैंने जो कहा, क्या आप मेरी बात से सहमत हो, और आपके मुताबिक आपको बताना है कि बाइनरी अच्छी है या जनरेशन अच्छा है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा काम है केवल फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करना, मोटिवेशन एक अलग पार्ट होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक करियर के रूप में यदि आप देख रहे हो, जितने भी लोग जो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं मुझे सुन रहे हैं, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर यदि देख रहे हैं, तो हमको ये बातों को सिर्फ मोटिवेशन में नहीं सुनना चाहिए, बल्कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर रखते हमको ये करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगा कि क्या जनरेशन प्लान अच्छा है या बाइनरी अच्छी होती है, केवल दो लेग्स बिल्ड करके आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी कंपनी में प्रोडक्ट बीवी पीवी कम है, आप में ज्यादा है, आप में ये कम है, आप में वो ज्यादा है, हमारा तो पे आउट बहुत बड़ा है, हमने तो 2 सालों में 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कमा लिए, और आप पिछले 8-10 सालों से नहीं कमा पा रहे हो। तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब लेकर ये मेरा जो आज का वीडियो है कि कौन किस पे भारी है, क्या बाइनरी या जनरेशन। फ्रेंड, आपको समझना पड़ेगा, कई लोग बोलते हैं कि कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है, कई लोग बोलते हैं सर बाइनरी तो इलीगल होती है, तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसमें कहीं भी ये वर्ड बाइनरी और जनरेशन मेंशन नहीं है, है ना। बाइनरी और भाई गवर्नमेंट को क्या लेना देना, गवर्नमेंट हर उस कंपनी को लीगल मानती है जो अपने प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, सेल्स करती है, और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्रॉफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांट देती है। अब कई लोग कहते हैं कि हम कम बांटते हैं, हम ज्यादा बांटते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, वो डिपेंड करता है अपनी अपनी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली पे, कोई 50% बांट रहा है, कोई 60% बांट रहा है, कोई 70% बांट रहा है, चर्चा उस पे नहीं है, चर्चा है कि लीगल वर्सेस इलीगल। तो ये जो बाइनरी और जनरेशन जो है ये कहीं भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन में लिखा हुआ नहीं है। फ्रेंड्स, क्या फर्क पड़ता है कि आपका जो जो प्रॉफिट है, वो कहते हैं ना आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक ट्रक में पहुंचाइए, ट्रेन से पहुंचाइए या प्लेन से पहुंचाइए, उससे गवर्नमेंट को क्या लेना देना। गवर्नमेंट केवल ये बोलती है कि कोई भी चीज इलीगल एक्टिविटी तब मानी जाती है जब आप ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा लेते हो, कि इतने से ही आपकी ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग आपकी कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, फ्री ज्वाइनिंग आपका कंसेप्ट होना चाहिए, इसके बाद आपकी प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो मंथ एंड होता है, आपका जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करो, दैट इज एब्सोल्युटली लीगल। इलीगल किसको कहा जाता है कि आपने प्रोडक्ट एक बार खरीदा और आपको डिस्काउंट के साथ साथ बाद में वो कंपनियां मंथली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसको कहते हैं मनी सर्कुलेशन, जहां पे ये आपको पैसा देने की बात करते हैं कि एक बार आपने प्रोडक्ट ले लिए फिर आपको 12 महीने तक पैसा आएगा, दैट इज अ मनी रोटेशन स्कीम, है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। तो ये इलीगल लीगल बाइनरी जनरेशन इसमें कोई लेना देना नहीं है। यदि आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में है तो चाहे जनरेशन हो या बाइनरी हो, दोनों ही लीगल है, राइट। चलते हैं नंबर दो पे, दो लेग्स वर्सेस मल्टीपल लेग्स। हमारे यहां तो सिर्फ दो ही लेग्स चलाने पड़ते हैं,
चलिए ये सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। दो लेग्स, दुनिया में आज तक ऐसा कोई इतिहास में पैदा नहीं हुआ है जो केवल केवल और केवल दो लेग्स उन्हें स्पॉन्सर किए हैं, ए और बी, और वो करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं। फ्रेंड्स ये पता नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से आती है, कौन इस बात को बोलता है। फ्रेंड्स मोटिवेशन पे नहीं चलता है, हाईलाइट हम करते हैं सिर्फ दो लेग्स बनाने हैं, लेकिन वो कंपनी भी कभी ये नहीं बोलती कि सिर्फ दो ही लेग्स, तीसरा फिर आप कहां जाएगा, चौथा कहां जाएगा, पांचवा लेग कहां जाएगा आपका। फ्रेंड्स जो लीडर जो बात कर रहे हैं उनके भी, उन्होंने भी 3, 4, 5, 10, 15, 20 स्पॉन्सरिंग की होती है, लेकिन वो एक के नीचे एक ही सर्कल, यानी कि मल्टीपल लेग्स तो वहां भी खुलते हैं। फ्रेंड्स ये दो लेग वाला कंसेप्ट इट्स नॉट पॉसिबल। क्या कंपनी ने ऐसा ही कहा है कि आपको सिर्फ दो ही लेग्स आपको स्पॉन्सर करने हैं, तीसरा नहीं कर सकते हो? तीसरा करते हैं तो तीसरा जाता किधर? फ्रेंड्स मल्टीपल लेग्स आपके भी होते हैं, लेकिन वो क्योंकि वो सिस्टम वैसा डिजाइंड है कि एक के नीचे एक, जिसको स्पिल कहा जाता है, वहां पर भी ट्राइपॉड, यानी कि पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 7, पावर ऑफ 35 आईडीज मार के काम होता है। मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको कि कौन से सिस्टम में पैसा ज्यादा आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो हम कहते हैं दो, सिर्फ आपको दो ही लेग्स बिल्ड करने हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल एक लॉजिक पूछता हूं। एक व्यक्ति आपको बोलता है कि आपको केवल दो ही दुकान खोलनी है, बस आप अगर मुंबई में हो तो आपकी दो दुकान आपको खोलनी है, और एक व्यक्ति आपको बोलता है कि आप चाहे उतनी दुकान खोल सकते हो, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, आप पूरे हिंदुस्तान में आप अपने अपनी दुकानें खोल सकते हो, तो मुझे आई थिंक ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं, और आपको भी ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग चलता है टर्नओवर पे। आप चाहे दो लेग्स में काम कर रहे हो, चार में कर रहे हो, 10 में, 20 में, लेकिन अल्टीमेटली पैसा कहां से आता है? टर्नओवर पे। तो मुझे आप सिंपल लॉजिक बताइए, दो दुकानें यानी कि दो लेग्स ही जो हम कहते हैं ना, सिर्फ दो लेग्स, तो अगर मैंने दो दुकानें खोली है वर्सेस मैंने पांच दुकानें खोली है, मुझे आपको नीचे जवाब में लिखना है कि टर्नओवर की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा कहां हो सकती है, ये आपको सोच के बताना। मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगा कि नहीं मैंने तो दो दुकान खोली है और दो दुकानों में ही मेरे को बहुत सारा टर्नओवर करना है, और वर्सेस एक व्यक्ति है जो 100 दुकानें खोलता है, तो टर्नओवर कहां होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। फ्रेंड्स ऐसे इतिहास में नेटवर्क मार्केटिंग में हम 2, 4, 5 लेग की बात करते हैं। आपका जो भी सीनियर होगा उसको पूछिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपने तो 2 लेग, 4 लेग, 10 लेग, 20 लेग की बात कर रहे हो, ऐसे भी व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने 5,000 फ्रंट्स खोले, 5,000 है, 5,000। तो ये आप पे वो छोड़ता हूं कि 2 लेग्स करने हैं या 20 लेग करने हैं, लेकिन बने रहिएगा इस वीडियो में क्योंकि अभी मेरा जवाब आपको दिया नहीं मैंने, असली जवाब तो मेरे अभी एक और पॉइंट के बाद आने वाला है जहां मैं आपको दूध का दूध पानी का पानी करता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग चलता है टर्नओवर पे, चाहे 2 लेग हो, चाहे 20 लेग हो, चाहे 50 लेग हो, चाहे 100 लेग हो, टर्नओवर ज्यादा कहां से आएगा ये आपको मुझे बताना है कि मैंने अगर दो ही दुकान खोली है क्या मेरा टर्नओवर उतनी दुकान से हो जाएगा, या मुझे मेरा टर्नओवर बढ़ाने के लिए मुझे चेन ऑफ मार्केट्स या चेन ऑफ स्टोर्स खोलनी पड़ती है। तो ये जवाब आप पे छोड़ता हूं। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं 2 दुकानों में ही 100 दुकानों के जितना धंधा कर सकता हूं, तो आपकी चॉइस है। नेटवर्क मार्केटिंग वैसे भी हम बाय चॉइस आते हैं, कोई हमको जबरदस्ती लाता नहीं है। आपको आपकी सोच मुबारक हो। सवाल ये नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सवाल ये है कि आपका दिमाग क्या बोलता है, 2 दुकान वर्सेस 10 दुकान, विच इज बेटर टर्न ओवर वाइज, ये आपको सोचना है, क्योंकि पैसा टर्न ओवर से आता है, तो ये आपको सोचना है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं पे आउट्स पे। हमारा तो लो जी पे आउट 15 लाख 15 महीने में आ गया, ओ जी मेरा तो पे आउट 25 लाख रुपया आ गया मात्र 1 साल काम करने पे।
तो फ्रेंड्स मैं आपको आज अभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूं जहां से अब मेरा जवाब शुरू होता है। ये तो मैंने आपको बेसिक बात की, अब मेरा ये जवाब शुरू होता है। ये जो पे आउट इलीगल लीगल, हमारे तो प्रोडक्ट सस्ते हैं वर्सेस महंगे हैं, लूट मचाए हुए हैं, तो मैं इसका जवाब आपको देता हूं फ्रेंड्स। 80-20 रूल, ये आपको सबको जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ये आप सबको पता है, 80-20 रूल, परेटोज प्रिंसिपल, 80-20 रूल, ये ध्यान में रखिएगा। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, आपकी कंपनी का 80% जो डिस्ट्रीब्यूशन, 80% जो टर्नओवर है, ये केवल 20% लोगों से आता है, और 20% जो है आपका जो टर्नओवर है वो 80% लोगों से आता है। आप कितने ही बड़े धुरंधर लीडर होंगे, लेकिन आपके नीचे सिर्फ 20% लोग होंगे जो आपको आपका मेजर 80% बिजनेस देते हैं, जिसको बाइनरी भी कहा जाता है, पावर लेग है ना, उसको आप कहते हो पावर लेग वर्सेस वीकर लेग। पावर को वीकर से मैच करेंगे तो हमको ये मिलता है। जनरेशन में भी ऐसा ही होता है, आपके एक लेग हमेशा पावर ही रहती है, और जितने भी आप जो बोलते हो 8 लेग, 10 लेग, 20 लेग, 50 लेग, वो वीकर में आते हैं। वीकर वर्सेस पावर का ही गेम होता है। तो फ्रेंड्स पावर लेग वर्सेस वीकर लेग, 80 वर्सेस 20 रूल, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और नेटवर्क मार्केटिंग का मैं आज आपको सबसे बड़ा सत्य बताने जा रहा हूं, 80-20 रूल में 80% माइंडसेट और 20% स्किल सेट लगता है। 80% जिसको हम कहते हैं विल, विल वर्सेस स्किल, विल चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मेरा सवाल उन लोगों से जो कहते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, फ्रेंड्स ईमानदारी से, क्योंकि इसका जवाब हम सबको पता है, जो भी काम कर रहा है अपनी आत्मा से आप मांगोगे, आपके दिल पे हाथ रख के आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे बताइए कि जब हम कंपनी शुरू करते हैं, जब हमने किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग ली है, क्या हमने पे आउट को देखकर जुड़े हैं? क्या हमने उसके मार्केटिंग प्लान को देख के जुड़े हुए हैं? क्या हम प्रोडक्ट सस्ते महंगे देख के जुड़े हुए हैं? क्योंकि जितने भी टॉप के लीडर हैं उन्होंने उस कंपनी में तब ज्वाइनिंग ली थी जब ये कंपनी शुरुआती दौर में थी, जब इस कंपनी के पास कोई पे आउट नहीं था, जब कोई ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, केवल हवा में बातें चल रही थी। लेकिन उन लीडर लोगों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। क्या उस वक्त प्रोडक्ट्स थे? नहीं। क्या उस वक्त मार्केटिंग प्लान दमदार था? नहीं। तो फिर वो क्या चीज थी जिसने एक व्यक्ति को इनविजिबल को विजिबल करने पे मजबूर कर दिया, या उसने कर दिखाया? तो वो स्किल नहीं था, वो उसका विल था। जी हाँ फ्रेंड्स, विल। हम कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे करना है, स्किल बाद में आती है फ्रेंड्स, 80% विल, वो हाउ या वाई जिसको कहते हैं, वाई टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ इज नॉट इंपॉर्टेंट, वाई। ऐसे कई लोग हैं जो कम्युनिकेशन के मास्टर्स हैं, स्किल्स जिसकी हम बात करते हैं कि यार उसको तो अंग्रेजी एकदम फर्राटेदार आती है, ऐसे स्किल्स वालों को जो विल वाले हैं वो उनको नौकरी पे रखते हैं। ऐसे कितने स्किल वाले हैं जिनको कंप्यूटर चलाना आता है लेकिन 5,000 की नौकरी तक उनको मिल नहीं पा रही है। स्किल्स आज भरे पड़े हैं हमारे हिंदुस्तान में, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन जिनके पास भी विल है आज उन्होंने वो स्किल वालों को अपने पास नौकरी पे रखा हुआ है। आई एम श्योर आप भी जिस कंपनी में काम करते हो टॉप रैंक पे, वहां पे जितने भी लीडर होंगे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे। ये बात मेरी इसी बात पे प्रूव करता हूं मैं कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के आप नाम जानते हो, टॉप पे जितने भी 3-4 लोग होंगे, आप उनका एजुकेशनल करियर देख लीजिएगा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास विल थी स्किल नहीं थी। स्किल कैन बी डेवलप्ड, विल कैन नॉट बी डेवलप्ड, है ना, विल को लाया नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसे लीडर्स जो जिन्होंने उस वक्त कंपनी का साथ दिया जब ना तो प्रोडक्ट्स थे, ना मार्केटिंग प्लान था, ना ये बीवी सीवी था, तो फ्रेंड्स विल लगती है। तो ये बाइनरी वर्सेस जनरेशन का जो गेम है, ये तो बाद में, क्या आपने बाइनरी और जनरेशन देख के जुड़े थे? क्या आपको उस वक्त बाइनरी और जनरेशन का फर्क पता था? नो, इट इज व्हाई यू ज्वाइन द कंपनी। आपका पर्पस क्या था, आपको क्या दिखाई दिया उसमें, क्या उसकी विजन अच्छी लगी, क्या उसके प्रोडक्ट अच्छे लगे, क्या उसके मैनेजमेंट की विजन अच्छी लगी, तो
कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा जिसके ऊपर आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। और साथ ही साथ ऐसे कई लोग होंगे जो आज भी सब कुछ होने के बावजूद भी कर नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आज उनके पास स्किल है आप जैसा लीडर है उनको सिखाने के लिए, लेकिन एक चीज नहीं है, विल नहीं है। तो यदि विल है, कहते हैं ना, वेर देर इज विल देर इज अ वे, तो ये जनरेशन हो बाइनरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। अगर आप एक सही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो तो चाहे जनरेशन हो या बाइनरी हो, तो चौके छक्के तो हर व्यक्ति वो लगाएगा जिसके पास विल है। नंबर दो पॉइंट, इट्स अबाउट चॉइस। जी हाँ फ्रेंड्स, चॉइस। मैं नॉन वेज खाता हूं, मैं वेज खाता हूं, तो फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, जो वेजिटेरियन है वो आपको वेजिटेरियन के फायदे बताएगा, जो नॉन वेजिटेरियन है वो आपको नॉन वेजिटेरियन के फायदे बताएगा। जैसे मैं अपनी उदाहरण लेता हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, डॉक्टर को पता है क्या राइट क्या रॉन्ग है। अपने मरीजों को मैं अक्सर बताता हूं कि सर आपको ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, मरीज को सब पता होता है। क्या जो नॉन वेज खाता है उसको नहीं पता कि नॉन वेज खाने से क्या गड़बड़ होने वाली है? जो दारू पीता है क्या उसको ये नहीं पता कि दारू पीने से मुझे क्या नुकसान होने वाला है? जो सिगरेट पीता है क्या उसको नहीं पता है कि सिगरेट पीने से मुझे क्या नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी करता है? तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज के फायदे ढूंढ के आपको बताएगा कि जी नॉन वेज में तो बहुत सारा प्रोटीन होता है, और वेजिटेरियन अपने फायदे बताएगा। इसीलिए मैं वेजिटेरियन हूं, क्यों? क्योंकि मैं लोगों को मांस काट के नहीं खा सकता, मैं खून नहीं देख सकता। वेजिटेरियन के पास अपने लॉजिक है, नॉन वेजिटेरियंस के पास अपने लॉजिक है। सेम ये जो बाइनरी जनरेशन के झगड़े में आप लोग जो पढ़ते हो, बाइनरी वाले अपने फायदे बताएंगे, जनरेशन वाले अपने फायदे बताएंगे। सवाल फायदे नुकसान का नहीं, सवाल है कि आपकी चॉइस क्या है। आपको अगर वेज पसंद है आप वेज खाइए, आपको नॉन वेज पसंद है आप नॉन वेज खाइए, आपको दारू पसंद है तो दारू पसंद जिसको वो तो दारू पीने ही वाला है, इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग रिटर्न। दारू शराब की बोतल पे वार्निंग होती है, गुटखा तंबाकू वालों के ऊपर वार्निंग होती है, बट फिर भी वार्निंग होते हुए भी वो खाते हैं, राइट? तो आप लाभ उसको बताओ ये लीगल है ये इलीगल है। फ्रेंड्स ये आप सबको कहते हैं ना, मन को बहलाने की बातें हैं। अंदरून अंदर से हर व्यक्ति जानता है जो नॉन वेजिटेरियन खाता है, हर व्यक्ति जानता है जो शराब पीता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये सही गलत के मापदंड हम नहीं कर सकते, हम उसको ज्यादा जज नहीं कर सकते हैं। मेरा अगला पॉइंट है कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि फ्रेंड्स सर हमारे प्रोडक्ट्स तो मार्केट से बहुत सस्ते हैं, बाकी कंपनियों में लूटमार मचाए हुए हैं। चलिए तो मैं आपको प्रोडक्ट सस्ते महंगे का गेम आपको बताता हूं कि कई लोग बोलते हैं कि अरे उसका तो 10 रुपया महंगा है, वो तो लूट रहे हैं हम। तो मैं आपको जवाब बता दूं फ्रेंड्स, चाय, हम जो ऑर्डिनरी चाय पीते हैं, अगर हम सड़क पे पीते हैं तो वो 6 7 8 रुपए की मिलती है। मुंबई में हमारे इसको कहते हैं कटिंग चाय। अच्छी एसी रेस्टोरेंट में अगर हम पीते हैं तो वही चाय 25 रुपए की हो जाती है, और यही चाय यदि हम ताज होटल में पीते हैं तो 750+ GST। जी हाँ फ्रेंड्स, 750+ GST, यानी कि लगभग वो चाय 900 रुपए की। तो अब मेरा सवाल आपसे है, क्या हम ये कहेंगे कि ताज वाले लूटमार मचाए हुए हैं? क्या हमारे बोलने से क्या लोग ताज में चाय नहीं पीने वाले हैं? फिर वो चाय क्यों पी रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि ये ताज वाला जो मुझे 900 रुपए की चाय दे रहा है, असली इसकी कीमत तो 5 रुपया है, लेकिन फिर भी क्या चाय नहीं बिक रही? क्या वहां पे चाय लोग पीते नहीं है? पीते फ्रेंड्स, इट्स अबाउट चॉइस। ये चॉइस का मामला है, उसको पता है। आप लाख बोलो सस्ता है महंगा है, जो नैनो की मानसिकता वाला होगा वो नैनो के आपके 10 फायदे बता देगा, लेकिन जो मर्सिडीज यूज करने वाला है वो आपको मर्सिडीज के फायदे बता देगा। इसका मतलब मर्सिडीज चलाने वाले का मतलब ये नहीं है कि किसी भी एंगल से BMW खराब है या जेगुआर खराब है। फ्रेंड्स हर एक का अपना अपना मार्केट है, ये सिर्फ अपनी चॉइस का मामला है। तो आपको यदि सड़क की चाय अच्छी लगती है तो आप उसकी तारीफ करोगे, आपको अगर ढाबे का खाना अच्छा लगता है तो आप ढाबे का करोगे, आपके पास बजट नहीं है तो आप बाइक का फायदा ज्यादा बताओगे, और यदि आपके पास बजट है तो आप मर्सिडीज का फायदा ज्यादा बताओगे। इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, योर केपेबिलिटी, योर कैपेसिटी, योर पोटेंशियल, योर सर्कल, के आप किस
सर्कल में उठते बैठते हो। तो ये जो हम बात करते हैं प्रोडक्ट सस्ते महंगे, ये इससे हम थोड़ा ऊपर अगर उठ के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करें, हमारे विजन के बारे में बात करें, आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है, आपस में लड़ने से अच्छा क्यों ना हम एम्पावर करें लोगों को, इस इंडस्ट्री के बेनिफिट बताएं, हमारे बेनिफिट्स बताएं कि हमारी कंपनी आपको ये दे रही है, बजाय इसके बताने के कि वो खराब है वो खराब है, उसके प्रोडक्ट ऐसे, हम तो ये दे रहे हैं। सबको पता है मर्सिडीज वाला कभी भी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता है कि मेरी मर्सिडीज में ये फायदा है, चिल्ला के कौन बोलता है, जो बहुत ही कम रेट वाले होते हैं वो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा ये सस्ते महंगे वाले ये छोड़ दीजिए, एक देसी शराब जो है, आपको सबको पता है देसी शराब, जो देसी शराब कितने की मिलती है और एक स्टैंडर्ड शराब 5 स्टार में कितने की मिलती है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सस्ती सस्ता ही अच्छा है, तो क्या लगता है आपको 5 स्टार में शराब पीने वाला क्या आपकी देसी शराब पिएगा? उसकी चॉइस है, उसकी कैपेबिलिटी की चॉइस है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये जो हम बाइनरी अच्छी है उसमें कैपिंग लगती है, इसमें मल्टीपल फ्रंट्स खोलने पड़ते हैं, ये आपकी चॉइस का मामला है, आप किस मकसद से वहां पे जुड़े हो, मान सम्मान रिकग्निशन एजुकेशन अच्छे प्रोडक्ट्स, आपकी विजन क्या है, आपकी विजन और कंपनी की विजन मैच कर रही है या नहीं। आपने कंपनी का उस वक्त साथ दिया जब कंपनी के पास कुछ नहीं था, तो उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप अभी बोल रहे हो मैं पेआउट्स इतने अच्छे आते हैं, बाइनरी में हम काम करने से इतने अच्छे पेआउट आते हैं, आते होंगे, बहुत अच्छी बात है, आप कर पा रहे हो क्योंकि आप में विल है। लेकिन उसी कंपनी में 80% लोग आज भी धक्के खा रहे हैं, आज भी पैसा नहीं कमा पा रहे, सेम प्लेटफॉर्म सेम प्लान सेम प्रोडक्ट्स लेकिन रिजल्ट्स डिफरेंट। एक ही कंपनी में कुछ लोग टॉप पे होते हैं, अगर आप LIC करते हो तो कुछ ही लोग MDRT करते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते कि उस कंपनी में दम है, प्रोडक्ट्स में दम है, प्लान में दम है। जाते जाते मैं आपको सिर्फ एक ही बताऊं, वो इसलिए कर पाते हैं कि उसमें दम है, आप में दम है इसलिए कर पा रहे हो आप, बाकी किसी कंपनी की औकात नहीं है, किसी प्रोडक्ट्स की औकात नहीं है कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। बंदे में दम होना चाहिए, बंदे में धंधा अपना आप खड़ा हो जाता है। हम अक्सर मेरी एक बात कहता हूं कि बंदे को खड़ा करो धंधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो अगर आपके बंदे में ही दम नहीं है तो आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स क्यों ना हो कोई फायदे के नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा बाइनरी जनरेशन, मैं आपको उम्मीद है कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूं कि व्हाट इज बाइनरी व्हाट इज जनरेशन से अच्छा आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है। अगर आपको बाइनरी अच्छी लगती है, आपको बाइनरी अच्छी लगती है, आप गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से अगर वो कंपनी चल रही है, यू कैन डू। अल्टीमेटली इट्स अ नेटवर्क बिजनेस, नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। हम कहते हैं दो लेग्स, लेकिन अल्टीमेटली मल्टीपल लेग्स हम भी चलाते हैं क्योंकि हमको पता है टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं सर उससे है ना दो लेग में हम नीचे नीचे डालेंगे तो हम 50% तो सपोर्ट देते हैं, तो कई लोग उसको बोलते हैं बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा ये एडवांटेज नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सर अच्छा अपलाइन मुझे मिल जाता तो मैं तहलका मचाता। मैं आपको फिर बता दूं, जिस जिस व्यक्ति के पास अच्छे अपलाइन नहीं थे उन्होंने ही कमाल के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। अगर मेरी बात से एग्री नहीं करते मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, जिन जिन लोगों के पास अच्छे अप्लायंस नहीं थे उन्होंने ही इतिहास रचा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद डेवलप किया अपनी अंदरूनी पोटेंशियल से। यदि आप सपोर्ट कर देते हो, आपने आपके वीकर लेग को जरूरत से ज्यादा सपोर्ट कर दिया है, पैसा एनर्जी सब कुछ सपोर्ट करने के बाद भी वो नहीं चलता, क्योंकि गधा और घोड़ा अल्टीमेटली आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते और घोड़ा तो फिर घोड़ा ही है। और नेटवर्क मार्केटिंग चलता ही घोड़े वाले लोगों से है, उन लोगों में दम होता है, किसी कंपनी के औकात नहीं है कि उनको खड़ा कर देवे। तो फ्रेंड्स याद रखना सेम प्रोडक्ट सेम प्लान, हर कंपनी का प्लान हर कंपनी के प्रोडक्ट्स। मैं सम्मान करता हूं जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो कंपनियां चल रही है सारी कंपनियां बहुत शानदार है। आप सभी लोग को मेरे तहे दिल से मैं आपको वेलकम करता हूं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में। इन चक्करों में ना पड़ते, प्रोडक्ट सस्ते महंगे जनरेशन बाइनरी से अच्छा खुद में क्या दम है। आपको लगता है कि मैं बाइनरी में
तहलका मचा सकता हूं, बाइनरी करिए। आपको लगता है कि जनरेशन, क्योंकि मेरे में ताकत है 10 लेग चलाने की, मेरे में ताकत है 20 लेग चलाने की, और मेरे में ताकत नहीं है कि मेरे में तो दो ही लेग चलाने की ताकत है, आप दो लेग वाला का, वो चॉइस की बात है। मुझे नॉनवेज अच्छा लगता है, मैं नॉनवेज खाऊंगा, मुझे वेज अच्छा लगता है, मैं वेज ही खाऊंगा, ये अपनी चॉइस का मामला है ना। तो ये मैं आपकी चॉइस पे छोड़ता हूं। हम सारी कंपनियां जितनी काम करती है, हम सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि ये जो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर ये कैपिंग होती है, ये होते हैं, ये सब लफड़े में मत पड़िए फ्रेंड्स। आपका पर्पस क्या था, आपकी विजन क्या बोलती है, आप क्या सोचते हो इस इंडस्ट्री के बारे में, आप इस इंडस्ट्री के लिए क्या करना चाहते हो, इस प्रकार से यदि आप इस इंडस्ट्री को देखोगे तो इससे सुंदर इंडस्ट्री कोई भी नहीं है। अभी तो 1% लोग भी नहीं, हिंदुस्तान में नहीं आए हैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में। क्यों ना हम सब हाथों में हाथ मिला के इस इंडस्ट्री को ऊपर आप ग्रो करें। तो फ्रेंड्स वंस अगेन, जाते जाते नेट बाइनरी अच्छी है या जनरेशन अच्छा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये सारे जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं कि 2 दुकान वर्सेस 10 दुकान, फायदा ज्यादा कहां, टर्नओवर ज्यादा कहां, ये आपको सोचना है। आपको लगता है कि नहीं 2 ही दुकान में मैं बहुत सारा टर्नओवर कर लूंगा, तो आप शायद बहुत ही, यानी कि डेफिनेटली आप में उस, आपको स्किल नहीं लेकिन आप में वो विल है कि आप 2 दुकानों में ही 100 दुकानों के बराबर टर्नओवर कर लोगे। तो मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों पे, आप रियल में एक सिकंदर हो। आई सैल्यूट टू सच लीडर्स जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स जाते जाते वंस अगेन आप सबको नेटवर्क इंडस्ट्री की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। आप सबका नेटवर्क मार्केटिंग में भविष्य बहुत उज्ज्वल हो, इसी कामना के साथ में मैं मुंबई से डॉक्टर आनंद बाजपेयी आपसे मैं विदा कहता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मैं इस पे बाइनरी वर्सेस जनरेशन पे मैं वीडियो पार्ट 2 पार्ट 3 जरूर बनाऊंगा, ताकि इसको मैं डिटेल में लेकर जाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज डॉक्टर आनंद बाजपेयी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।